हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में, जहां पर हमारा टॉपिक है सपोज्ड टू का यूज। किसी भी सेंटेंस में सपोज टू का यूज किस सेंस में किया जाता है, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, अगर आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखेंगे आप इस कॉन्सेप्ट को इजिली समझ जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। यहां पर देखिए स्ट्रक्चर है इज एम आर वॉज वर के साथ सपोज टू का यूज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उस सेंटेंस में कोई भी वर्ब हो सकती है, जैसे जाना, आना, खेलना, नाचना, तो जो भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज, या फिर बी के साथ या हैव के साथ सपोज टू का यूज। बी और हैव अपने आप में मेन वर्ब की तरह वर्क करती है। यहां पर हम देखेंगे सपोज टू का यूज चार केसेस में किया जाता है, एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद करना, ड्यूटी कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, और पर्पज यानी उद्देश्य। इन सभी से रिलेटेड सेंटेंसेस बना करके हम इस बात को समझेंगे, लेकिन उससे पहले, शुरुआत करने से पहले देखिए आपके सामने दो पॉइंट हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्ट्रक्चर होगा इज एम आर वॉज वर के साथ सपोज टू का यूज। कभी भी किसी भी सेंटेंस में आप हैज हैव हैड के साथ सपोज टू का यूज नहीं देखेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इसी तरह से डू डज डिड के साथ सपोज टू का यूज कभी नहीं होता, विल के साथ सपोज टू का यूज कभी नहीं होता। इसी तरह से किसी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड, शुड, शैल, वुड, मस्ट, माइट, किसी के साथ भी सपोज टू का यूज नहीं किया जा सकता। और दूसरा पॉइंट ये है, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सपोज टू का यूज तो नहीं होता, नहीं, सपोज्ड टू, डी यहां पर आता है, हमेशा सपोज्ड टू का यूज। अब हम बात करते हैं सेंटेंसेस की इन सभी कैटेगरीज में। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की यानी उम्मीद की। देखिए चार सेंटेंस आपके सामने हैं। यू आर एक्सपेक्टेड टू कम माय होम यस्टरडे, यू वर एक्सपेक्टेड, आपसे ये उम्मीद की गई थी कि आप मेरे घर कल आएंगे, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव एट 11 o'clock, ट्रेन से ये उम्मीद की जाती है कि वो 11 बजे पहुंचेगी। You are a topper, आप एक topper हैं, it's expected, ये उम्मीद की जाती है कि you will pass that exam too, आप वो exam भी pass कर लेंगे। It has been announced that SRK will visit Delhi on Monday, it has been announced, इस बात की घोषणा की जा चुकी है, या ये घोषणा की जा चुकी है, present perfect का passive voice sentence, कि SRK शाहरुख खान विल विजिट दिल्ली ऑन मंडे। कहीं पर एक्सपेक्टेशन पास्ट की है और कहीं पे एक्सपेक्टेशन प्रेजेंट की, या फिर कहीं पे एक्सपेक्टेशन फ्यूचर की। ऐसे सभी केसेस में जब बात पास्ट की हो, पास्ट की एक्सपेक्टेशन, तो वॉज वर्क आप यूज करते हैं, और जब आप फ्यूचर या प्रेजेंट की एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे तो इज एम आर का यूज होगा। अब देखिए इन्हीं सेंटेंसेस को हम सपोज टू के साथ किस तरह से बना सकते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यू आर एक्सपेक्टेड टू कम माई होम यस्टरडे, आप कल मेरे घर आने वाले थे, यही सेंस निकल के आ रहा है, आपसे उम्मीद की गई थी कि आप कल मेरे घर आएंगे, यानी आप कल मेरे घर आने वाले थे। यू वर सपोज टू कम माई होम यस्टरडे, सेंस के हिसाब से सेंटेंस को बनाया जाता है। तो दोनों तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, सपोज टू के साथ भी और एक्सपेक्टेड टू के साथ भी। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव, तो यहां पर आप एक्सपेक्टेड की जगह सपोज्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक इसी तरह से द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 11 o'clock। अब इस सेंटेंस में देखिए, यू आर अ टॉपर, ये तो एक सेपरेट सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप टच नहीं करते हैं। आप एक टॉपर हैं, ये उम्मीद की जाती है कि आप उस एग्जाम को भी पास कर लेंगे। इसी सेंटेंस को सपोज टू के साथ देखिए किस तरह से बना सकते हैं। यू, सब्जेक्ट है यू, यू आर सपोज टू पास दैट एग्जाम टू, यू आर सपोज टू पास दैट एग्जाम टू। शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इजी होने लगेगा। अब इस सेंटेंस में देखिए, इट हैज बीन अनाउंस्ड, ये अनाउंस किया जा चुका है कि शाहरुख खान मंडे दिल्ली विजिट करेंगे। इसी सेंटेंस को क्या मैं एक्सपेक्टेड के साथ बना सकता हूं? देखिए इस तरह से बना सकता हूं, SRK शाहरुख खान इज एक्सपेक्टेड टू विजिट दिल्ली ऑन मंडे। दोनों सेंटेंसेस का सेंस बिल्कुल सेम है। आखिर हम यही तो कहना चाहते हैं कि ये एक्सपेक्टेड है कि शाहरुख खान दिल्ली विजिट करेंगे मंडे को, और ठीक यहां पर अगर एक्सपेक्टेड की जगह
आप सपोज्ड का यूज कर लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एसआर के सपोज टू विजिट दिल्ली ऑन मंडे। तो यहां पर चार एग्जांपल्स हमने लिए एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड। अब आपके सामने ड्यूटी से रिलेटेड तीन सेंटेंसेस हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी से रिलेटेड दो सेंटेंसेस। हालांकि यहां पर कहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा नहीं है जैसे यहां पर लिखा है, लेकिन इस सेंटेंस में सेंस है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब देखिए पहला सेंटेंस, दिस इज योर ड्यूटी। ये आपकी ड्यूटी है यानी आपका कर्तव्य है, फर्ज है। क्या है? टू रीच, पहुंचना ऑफिस ऑन टाइम। टाइम पे पहुंचना ऑफिस आपकी ड्यूटी है। इसी सेंटेंस को हम सपोज टू के साथ कैसे बना सकते हैं? अब चूंकि आप यहां पर सब्जेक्ट हैं, यू के साथ आप आर का यूज, यू आर सपोज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है पहुंचना। यू आर सपोज टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। यू आर सपोज टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स आर ड्यूटी। इट्स, इट इज, ये है हमारी ड्यूटी। क्या? कि वी फाइट फॉर आर कंट्री, हम अपने देश के लिए लड़े। इसी सेंटेंस को आप किस तरह से बना सकते हैं? वी, क्योंकि हम सब्जेक्ट है वी, वी आर सपोज टू फाइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर आर कंट्री। दोनों सेंटेंसेस को आपने बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस, इज इट माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू अबाउट एवरीथिंग। इज इट माई ड्यूटी, क्या ये मेरी ड्यूटी है क्या? टू इन्फॉर्म यू, आपको इन्फॉर्म करना हर चीज के बारे में। आपको हर चीज के बारे में इन्फॉर्म करना क्या मेरी ड्यूटी है? इस सेंटेंस को, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और यहां पर मेरी ड्यूटी है, मैं हूं यहां पर सब्जेक्ट। एम आई सपोज टू इन्फॉर्म यू अबाउट एवरीथिंग। एम आई सपोज टू इन्फॉर्म यू अबाउट एवरीथिंग। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए ये सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होता, इट इज माई ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है टू इन्फॉर्म यू अबाउट एवरीथिंग, आपको हर चीज के बारे में इन्फॉर्म करना ये मेरी ड्यूटी है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता इट इज माई ड्यूटी, तो ऐसे केस में जब आप सपोज टू के साथ बनाते तो आप बनाते आई एम सपोज टू इन्फॉर्म यू अबाउट एवरीथिंग। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो जिस तरह से आपने इज को सब्जेक्ट से पहले ले आए, ठीक इसी तरह से सब्जेक्ट से पहले आप एम को ले आते हैं। तो ये तो बात हुई ड्यूटी से रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड सेंटेंस को आप कैसे बनाते हैं। देखिए सेंटेंस आपके सामने है, बीइंग द एल्डेस्ट ब्रदर, सबसे बड़ा भाई होने के नाते, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या है मेरी जिम्मेदारी? टू टेक केयर ऑफ माई सिबलिंग्स, ख्याल रखना। किसका ख्याल रखना? मेरे भाई बहनों का ख्याल रखना। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। तो देखिए किस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं सपोज टू के साथ में। बीइंग द एल्डेस्ट ब्रदर, बीइंग द एल्डेस्ट ब्रदर, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मैं जिम्मेदार हूं, जिम्मेदारी मेरी है। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं। आई एम, आई के साथ आप एम का यूज करेंगे प्रेजेंट में। आई एम सपोज टू टेक केयर ऑफ माई सिबलिंग्स। देखिए कितने इंटरेस्टिंग तरीके से हमने इस सेंटेंस को बनाया। इसी तरह से इस सेंटेंस में, बीइंग अ टीचर, एक टीचर होने के नाते, आई मस्ट कवर, मुझे कवर करना चाहिए, जरूरी है, मुझे कवर करना चाहिए ऑल द टॉपिक्स, सभी टॉपिक्स को थॉरली, थॉरली यानी इन डेप्थ, गहराई से। तो देखिए सेंटेंस को आप बनाते हैं सपोज टू के साथ, बीइंग अ टीचर, सब्जेक्ट हूं मैं, आई एम सपोज टू कवर ऑल द टॉपिक्स थॉरली। ये तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो बेसिकली इन दोनों सेंटेंसेस में देखिए आप किस तरह से कह सकते हैं। एक और तरीका, बींग द एल्डेस्ट ब्रदर, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ माई सिबलिंग्स, या आई एम सपोज टू टेक केयर ऑफ माई सिबलिंग्स। बींग अ टीचर, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू कवर ऑल द टॉपिक्स थॉरली, या फिर आई एम सपोज टू कवर ऑल द टॉपिक्स थॉरली। तो यहां पर हमने बात की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अब बात करते हैं
पर्पस की। देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है, द पर्पस ऑफ दिस मोबाइल इज टू कीप यू इन टच विद मी। मान लीजिए आप अपने छोटे भाई को एक मोबाइल देते हैं और आप कहते हैं कि इस मोबाइल का पर्पस है, द पर्पस ऑफ दिस मोबाइल इज क्या, टू कीप यू इन टच विद मी, मुझसे तुझे टच में रखना। टू कीप यू, तुझे रखना, इन टच विद मी, मुझसे टच में। तो देखिए इसी सेंटेंस को हम किस तरह से सपोज टू के साथ बनाएं। थोड़ा सा शुरुआत में डिफिकल्ट आपको लगता है, लेकिन देखिए, दिस मोबाइल इज सपोज टू बाकी का सेंटेंस बिल्कुल, बाकी का पार्ट बिल्कुल सेम, टू कीप यू इन टच विद मी। मेरी वीडियोस का पर्पस आपको इंग्लिश पढ़ाना है। अगर इसी सेंटेंस को इसी तर्ज पे मैं बनाऊं तो किस तरह से बना सकता हूं, माई वीडियोस आर सपोज टू, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इज का यूज, यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है, आर का यूज आपने किया, माई वीडियोस आर सपोज टू टीच यू इंग्लिश। बार बार इस तरह के सेंटेंसेस सामने आते जाएंगे तो चीजें क्लियर होंगी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है, आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, यानी आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। व्हाट आर यू, सोचिए किस तरह से सेंटेंस बनाया जा रहा है। व्हाट आर यू Supposed to, अब मैं आगे क्या यूज करूं, कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करूं, क्या बात हो रही है, करने की बात हो रही है, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। What are you supposed to do in your life? तो दोनों तरीके से सेंटेंस को बनाया जा सकता है, What is the purpose of your life या What are you supposed to do in your life? The purpose of my life, अब आपका आंसर क्या होता है, The purpose of my life is to do something significant, मेरे जीवन का पर्पज है करना, क्या करना, कुछ करना सिग्निफिकेंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, बहुत बड़ा हो, कुछ बड़ा कर दिखाना अपने जीवन में। कौन करेगा ये, मैं करूंगा ये, तो सब्जेक्ट हूं मैं, तो देखिए किस तरह से, आई एम सपोज टू डू, आई एम सपोज टू डू समथिंग सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। तो गाइस इस तरह से हमने इन चारों कैटेगरीज में, इन चारों सेंस में सपोज टू से रिलेटेड सेंटेंसेस को बनाया। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, इन एग्जांपल्स को, ये होमवर्क की तरह है, आपको कमेंट्स में इनको रीराइट करना है, इन सभी सेंटेंसेस को सपोज टू के साथ बनाना है। हालांकि इन सेंटेंसेस को सपोज टू के साथ बना करके इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं लिख रहा हूं, आप उन सेंटेंसेस को देखिएगा, पहले खुद बनाइएगा, फिर वहां से टैली कर सकते हैं आप आंसर्स को। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और गाइस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सपोज टू के साथ बी का यूज और हैव का यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, उस वीडियो लेक्चर को भी आप मिस मत करिएगा। फिर कभी भी कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने सपोज टू का आता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहां पर क्या सेंस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टेक केयर एंड गुड बाय।